Hi students, good morning and welcome to this session of English. This one's in your junior sections. आप लोगों ने अपनी छोटी कक्षाओं में parts of speech के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि वो वाक्य के कौन कौन से छोटे parts रहते हैं जिससे एक sentence को आप compose करते हैं. अब आज हम चर्चा करेंगे कि उन sentences से जो बड़ा composition बनता है, whether it's a paragraph, it's a story, it's an essay, it's even an play, how do all these things are composed? ये चीजें कैसे बनती है और what in fact are the constituents? इनके constituents कैसे रहते हैं? यानी parts of speech हमने वहाँ पे पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे constituents of composition or phrase, clause and sentences. That is the topic for the day. सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेज के बारे में. दिस इज फ्रेज इन फैक्ट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो. बट प्रॉब्लम क्या है, इसका अपना ना तो सब्जेक्ट होता है, ना प्रेडिकेट होता है और ना ये कंप्लीट मीनिंग निकलते हैं. इसके बारे में साथ ही हम पढ़ते हैं कि वो अपने आप में एज ए नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब फंक्शन कर सकता है. यानी कि अगर वो नाउन की जगह पूरा ग्रुप इस्तेमाल किया, वर्ड्स ऑफ एक की जगह, एक नाउन की जगह हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो दैट वुड बी ए नाउन फ्रेज. सिमिलरली अगर हम बर्फ की जगह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट वुड बी ए वर्ब फ्रेज. इसी प्रकार से अगर एडवर्ब की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ, तो दैट वुड बी ए एडवर्बल फ्रेज. तो इस तरह से फ्रेजेस बन जाते हैं हमारी. बिकॉज फ्रेज हैज नाइदर सब्जेक्ट और नॉर वर्ब, इट कांट फॉर्म ए प्रेडिकेट. इसका प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ना कोई सब्जेक्ट है और ना इसकी अपनी वर्ब है. Here are certain things. After do you know, waiting for the rain to stop. इस तरह की कुछ phrases रहती है. और phrases की जैसे मैंने बात की, types of phrases. तो जिस particular word की जगह, जिस word को ये substitute करता है, जिस शब्द को ये substitute करता है, जिस parts of speech को ये substitute करता है, it becomes a phrase of that part. जैसे for example, noun phrase. अगर ये noun की जगह इस्तेमाल हुआ है, thereafter we have for example, one of our close relative. ये रिलेटिव नाउन था, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव, ये पूरे का पूरा नाउन फ्रेज हो गया. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. अगर प्रीपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है, तो इट वुड बी ए प्रीपोजिशनल फ्रेज. इसके बाद बनता है एडजेक्टिव फ्रेज. अगर किसी एडजेक्टिव जगह, फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, व्हाइट अपने आप में एडजेक्टिव था, बट ए ब्यूटिफुल, तो इसको भी मॉडिफाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक नहीं हुआ, इट हैज बिकम ए एडजेक्टिव फ्रेज. इसी प्रकार से वर्ब फ्रेज. And then we have infinitive. Infinitive phrases की बात करता हूँ. Infinitives क्या होते हैं? To be verbs. Especially to be verbs. यानी जिन verbs से पहले to लगता है. तो अगर to be verbs से पहले भी कुछ group of words बन जाता है, for example, to help the poor, to drive the car. तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी infinitive phrase. And last we have adverbial phrase. तो इसी प्रकार से six parts of, six kinds of phrases हमने explain किए. अब हमारे पास बात आती है clause की. Dear students, clause और sentences में students थोड़ा confused रहते हैं, but no need to get confused. Obviously, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक clause बिल्कुल simple sentence जैसी ही होती है. अगर full stop लग गया तो ये simple sentence बन जाती है. और अगर full stop की जगह कोई conjunction लग गया और उसके बाद कोई दूसरी इसके साथ clause जुड़ गई, तो पहले वाली भी clause क्या रहेगी, वो clause बन जाएगा. और दूसरे वाला sentence अगर कोई जुड़ता है, तो वो भी clause बन जाएगा. Because that become the part of a new sentence. तो किसी बड़े वाक्य के जब छोटे छोटे खंड में वो जुड़ जाते हैं, तो उन सिंपल सेंटेंसेस को क्लॉजेस कह देते हैं. और क्लॉजेस की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है, इसका सब्जेक्ट भी होता है और कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है, बट इसमें फुल स्टॉप नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं कि हम ये क्लॉजेस कह देते हैं. ए क्लोज कंटेंस ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, आई सो हिम. ये पे सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, हियर इज टू क्लॉज सेंटेंसेस. व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम. अब आई सॉ हिम अपने आप में क्या था, सेंटेंस था, आई सॉ हिम. एंड व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम. तो फिर क्या हुआ, व्हेन आई केम हियर, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस बन गई. एंड इट बिकम ए अगेन सेंटेंस. हियर आर थ्री क्लॉजेस. तो इस तरह से हम तीन चार पांच क्लॉजेस भी बन सकती है. अब हम देखेंगे कि क्लॉजेस के कितने टाइप्स रहते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरी आती है डिपेंडेंट क्लॉज, जो सबोर्डिनेट क्लॉज, कुछ कई बार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं.
तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहता है कि ये फंक्शन जो है ऑन इट्स ऑन, अपने आप में इसका मीनिंग निकलता है, ये सिंपल सेंटेंस है एग्जैक्टली, इसका अपना मीनिंग निकल जाता है। अगर आप फुल स्टॉप लगा दो तो इसकी कंप्लीट मीनिंग होंगे, इट वुड बिकम ए सिंपल सेंटेंस। डिपेंडेंट क्या क्लोज होती है कि डिपेंडेंट क्लोज ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकती, एंड यू नीड टू एड दिस सबॉर्डिनेटिंग और इंडिपेंडेंट क्लोज विद द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज या सबॉर्डिनेट क्लोज को जब तक आप इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज करेगा, मीनिंग निकल सकता है। बट हियर टू क्लेरिफाई द मीनिंग, मीनिंग को बहुत क्लेरिफाई करने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो दो तरह के क्लॉजेस हमारे पास आए। अब आया सेंटेंस। सेंटेंस एज आई टोल्ड यू इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। इट हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट, इट हैज इट्स ऑन प्रेडिकेट। अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है और फुल स्टॉप लगने के बाद ये वाक्य अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकल जाता है, दैट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस के हम दो तरह से इसको फॉर्मेशन की बात करते हैं। एक तो स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सेंटेंस, कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। दे आर फोर। फर्स्ट वी हैव सिंपल, देन वी हैव कंपाउंड, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स कम कंपाउंड। सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है, इट्स ए मोनो क्लोज, यानी एक क्लोज ही रहती है, फुल स्टॉप लग जाता है और ये बनती है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड की कब बात करते हैं, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़ जाएंगी। और कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब एक इंडिपेंडेंट और एक उसकी सबॉर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं, उन सेंटेंसेस में कंपाउंड कम कॉम्प्लेक्स दोनों ही आ जाता है। तो कई बार कंपाउंड कम कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाती है, तो अल्टीमेटली सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वे ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो सेंटेंसेस है उसे कहने के तरीके के अनुसार उसके फिर चार टाइप्स किए जाते हैं। जैसे कई बार हम स्टेटमेंट कह देते हैं, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि हम राकेश हैं या मैं राकेश हूं। तो मैं राकेश हूं कोई टेंस नहीं है, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका ट्रांसलेशन कैसे करें, क्योंकि टेंस तो है ही, टेंस का कोई रूल नहीं लगेगा। तो इन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेशंस। ये क्या होती है, डिक्लेरेशंस या असर्टिव्स। तो वे ऑफ उसमें सबसे पहली चीज आती है असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कि कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, टू यूज देम टू शेयर फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स को आइडियाज को डिक्लेयर करने के लिए उन्हें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके दो टाइप्स जनरली लोग मान के चलते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। बट और कुछ लोगों के अंदर चार भी सेंटेंसेस, चार टाइप्स की भी बात करते हैं, नेगेटिव कम इंटर और इंट्रोड्यूस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई से मैं शिक्षक हूं, ये अफर्मेटिव हो गया, डिक्लेरेशन मैंने किया आई एम अ टीचर। इसका नेगेटिव बन जाएगा आई एम नॉट अ टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूं। और फिर इंटरोगेटिव बनेगा क्या मैं शिक्षक हूं, एम आई अ टीचर। और फिर इंट्रो कम नेगेटिव बनेगा एम आई नॉट अ टीचर। तो इस तरह से सेंटेंसेस को चार में भी टाइप में हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के फोर टाइप से फर्दर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की हमने बात की। अब हमारे पास दूसरा जो टाइप्स आता है ये सेंटेंसेस इसके एग्जांपल दें, दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जनरली दो प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास या तो WH क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फैक्ट्स कंटेंट के बारे में। इनकी पहचान रहती है कि इनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क, जहां डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगता है वहीं इंटरोगेटिव में क्या लगता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन या मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगता है। इसमें दो तरह के, एक हमने बात की WH क्वेश्चंस जो व्हाट व्हेन व्हाई वेयर इवन हाउ इसी बीच में जोड़ देते हैं, इन्हें कहते हैं WH क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जिसे हम यस नो टाइप, जिनके जवाब में हाँ या ना मिलता है, जैसे जिनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को पहले ले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम आई ए टीचर, तो जवाब क्या होगा, यस आई एम ए टीचर। आर यू स्टूडेंट, यू कैन से नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं वहां हम क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने हुए, दो तरह के, WH क्वेश्चंस और यस नो टाइप या
क्वेश्चंस वी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेंटेंसेस के इंपेरेटिव। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारे पास? इंपेरेटिव पार्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, किसी से सलाह दी, किसी को रिक्वेस्ट किया, किसी को आदेश दिया, कम ऑन, शट द डोर, ओपन द विंडो, ये सारे सेंटेंसेस क्या बन जाते हैं? इन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इसके लास्ट में हमारे पास आता है जब हम सडन फीलिंग को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि हम सडन फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं, इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इन वाक्यों की पहचान रहती है कि इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, हाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, ये क्वेश्चन मार्क अगर लगा होता तो हमें चेंज करना था, जैसे हम कहते हैं इज इट ए ब्यूटीफुल डे या व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। जैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा इट इज बिकम एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब इसमें इन टोन पे, इंटोनेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटोनेशन कैसी रहती है। इसको अगर ब्रीफ समराइज करना है आप यहाँ पे लेक्चर वाइज में देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स रहती हैं चार टाइप के सेंटेंसेस की। सबसे पहला टाइप है हमारे पास डिक्लेरेटिव टाइप, एसो और एसर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं किसी स्टेटमेंट को, टोन हमारी बिल्कुल न्यूट्रल नॉर्मल टोन में बात करते हैं और एंड में हमारा फुल स्टॉप लगता है। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आस्क, इंक्वायर, हाँ प्लीज डिक्लेयर डीईसी, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लें प्लीज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क, इंक्वायरी होती है पर्पस या इंटरोगेट करना होता है, उद्देश्य हमारा ये रहता है पूछने का, और इसमें भी टोन हमारी न्यूट्रल रहती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसी की विश, डिमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर जब हमें करने होते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, या न्यूट्रल भी हो सकती है और थोड़ी सी इमोशनल भी टोन हमारी हो सकती है और यहां पे लगता है एंड में फुल स्टॉप। अगर इमोशनल है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हम कई बार लगा देते हैं और सेंटेंस पे भी इंपेरेटिव बनता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्लियर है कि यहाँ पे हम टू एक्सक्लेम करते हैं किसी चीज को, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, इमोशंस को, इसका इमोशनल टोन रहता है हमारा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लग जाता है। ऑल दीज आर द थिंग्स ओवर हियर। हमने आज बात की फ्रेज क्लोज सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, मीनिंग निकलता है पूरा नहीं निकलता, तो जिस वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करती है उसी की फ्रेज का काइंड बनता है, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एटसेट्रा। क्लॉजेस की बात की, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस, अगर फुल स्टॉप लग गया, दो तरह की क्लॉजेस रहती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तीसरा था सेंटेंसेस, सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसके एंड में फुल स्टॉप लग जाता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वाले भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस के चार टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कम कंपाउंड सेंटेंस। और वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी कहने या टोन के आधार पर, कहने के आधार पर इसके ये चार टाइप बन जाते हैं, जिसे हम डिक्लेरेटिव, असर्टिव एक, नंबर दो बनता है इंटरोगेटिव, नंबर तीन इंपेरेटिव और नंबर चार एक्सक्लेमेटरी। तो आज हमने टेंसेस की, सेंटेंसेस की बात की, इसलिए आपको हेल्प करेगा आगे टेंसेस में, ये हेल्प करेगा नरेशंस में, वॉइस में, और फर्दर बहुत बड़ा जो आपने ऐसे पैराग्राफ बनाना है, कंपोजिशन करना है, ऑल दीज थिंग्स आई होप इट वुड बी हेल्पिंग यू। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।